दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया लाई हूँ। आज हम बनाना सीखेंगे कैरीकॉट का न्यू कवर। पहले मैं एक वीडियो में आपको कैरीकॉट का कवर रिपेयर करना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने मैं कैरीकॉट की मेजरमेंट ले लेनी है, क्योंकि डिफरेंट कैरीकॉट के साइज डिफरेंट होते हैं। जो मेरे कैरीकॉट है इसकी तकरीबन लंबाई है इसकी तकरीबन 30 इंच के करीब। आप अपने कैरीकॉट की मेजरमेंट ले सकते हैं उसके साइज के हिसाब से। तो देखिए, मेरे कैरीकॉट की जो है लंबाई है वो है तकरीबन 30 इंच। आप साथ साथ इसको कहीं अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आपको कटिंग करते हुए आसानी हो, बार बार मेजरमेंट चेक ना करनी पड़े। लिखा हुआ होगा आपके पास तो आपको आसानी होगी। अब हम कैरीकॉट की हाइट मेजर करेंगे साइड से। सबसे पहले हम दरमियान में से हाइट लेंगे। मेरे कैरीकॉट की ऑलमोस्ट 6 इंच के करीब है। आपके कैरीकॉट की डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह हम इसको पाँव वाली साइड से भी मेजर करेंगे इसकी हाइट को, और सर वाली साइड से भी। तीनों हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है पाँव वाली साइड और सर वाली साइड से, इसलिए हम इसको अलग अलग मेजर करेंगे। कैरीकॉट की सीट के मेजरमेंट लेते हुए ये बात ध्यान में रखिएगा कि सर वाली साइड जो है वो 1 से 1.5 इंच जो है वो चौड़ी होती है। मेरे कैरीकॉट की सर वाली साइड ऑलमोस्ट 10 इंच की थी, और पाँव वाली साइड जो है वो 1 इंच कम यानी 9 इंच की है। तो आप अपने कैरीकॉट की मेजरमेंट लेते हुए ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो इसकी सीट जो है कैरीकॉट कवर वो अच्छे से फिट नहीं होगा। कैरीकॉट की साइज जो है हाइट मेजर करने के एक और बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप कपड़े को डबल करके रखें और उसके अंदर साइड पे इसको बिछाएं अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर कर दें और पेंसिल के साथ निशान लगा लें। उससे आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर हो जाएगी, और मेजरमेंट टेप की नस्बत ये ज़्यादा आसान तरीका है। आप जो आपने निशान लगाए हैं उससे 1/2 इंच जो है वो आप एक्स्ट्रा रखें सिलाई के लिए, और उसको कटिंग कर लें। कवर को दरमियान में बिछा के एक दफ़ा चेक कर लें, ताकि अंदाज़ा हो जाए जो एक्सेसिव कपड़ा है उसे कट कर लें। अगर तो आपने फ्रिल लगानी है तो फिर आप इसको बिल्कुल बराबर साइज पर रखेंगे। मैंने क्योंकि फ्रिल नहीं लगानी थी, इसलिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ताकि इसी को मोड़ के मैं इसकी किनारी बना सकूँ। आप सिलाई के लिए 1/2 इंच जो है कपड़ा छोड़ के इसके निशान लगा लें और इसको पिन अप कर लें। पिनअप करते हुए या सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जो गोलाई है साइड की वो सीट के दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर तो वो बराबर नहीं होगी तो इसकी सीट जो है वो फिट होके नहीं आएगी, कवर जो है वो फिट होके नहीं आएगा और वो घुमा हुआ होगा। इस तरह प्रॉपरली सारा पिनअप कर लें, इसके बाद सिलाई लगा लें, एक दफ़ा फिर भी बिछा के चेक कर लें। और दरमियान में जो इसकी झोल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं एक एक प्लेट लगा लूँगी गहरी करके। ये देखिए, उसको मैंने सिलाई लगा ली है। मैं कैरीकॉट के बैक साइड से मेजरमेंट ले लूँगी, ताकि इसके लिए जो इसको होल्ड करने के लिए हमें कपड़ा लगाना है वो उसकी मेजरमेंट हो सके, उसकी कटिंग हो सके। मेरे कैरीकॉट में तकरीबन ये 15 से 16 इंच के दरमियान आ रही है। आपकी कैरीकॉट में जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसके लिए भी अब मैं डबल कपड़ा लेगी, इसको मेजर करूँगी। इसकी तकरीबन जो है कपड़े की लंबाई
भाई जो है वो तकरीबन 16 इंच के करीब है और चौड़ाई जो है वो 5 इंच के करीब है। मैं इसको डबल डबल कपड़े को एक और दफ़ा मोड़ लूँगी और इसी तरह मैं ये मक्खी की लंबाई जो थी वो 16 इंच की 15 से 16 इंच है, तो मैं इसको हाफ करके तो निशान लगा लूँगी। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसका ध्यान रखिए। अब क्योंकि दरमियान में जो है सीट उसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच के करीब है, तो उसको हाफ करके 5 इंच से मैं निशान लगा लूँगी और एक कर्व बना लूँगी। तो प्रॉपर कट करके गुलाई कर दूँगी और थोड़ा सा मैंने आखिर से सीधे से छोड़ा है ताकि मैंने इसको मोड़ना है। देखिए इस तरह करके इसको ऐसे अच्छी तरह होल्ड हो जाएगा। अब इसको सीट के साथ हम सीट को इसको डबल करके दोनों को दरमियान से अटैच कर लेंगे ताकि ये सिलाई में आसानी हो। हमें एक दफ़ा पिन के साथ अटैच करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे सेम। कर सकते हैं इसको सब चढ़ा के। एक बार ध्यान रखिएगा कि पाँव और पाँव वाली साइड पे और सर वाली साइड पे इसके निशान लगाइएगा। दरमियान में अभी मैं सिलाई के साथ साथ इसकी एक प्लेट लगा लूँगी हैंडल के बिल्कुल करीब से ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाए, फिट हो के आए। मैंने सिलाई लगा दी और हेड और फुट वाली साइड पर मैंने निशान लगाए हुए हैं ताकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हेड वाली साइड जो है वो 1 इंच बड़ी होती है पाँव वाली साइड से। मेरे कैरी कोट का कवर सिल के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं कैरी कोट पर चढ़ा के चेक करूँगी। मैंने चूँकि फ्लीस में बनाया है इसलिए मैं इसके साथ बैक कवर नहीं लगा रही। अगर आप कॉटन में बना रहे हैं तो आप इसके साथ पॉलिएस्टर शीट भी है वो लगा सकते हैं या फिर फ्लीस भी लगा सकते हैं। और अगर आप फ्रिल के साथ बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द फ्रिल के साथ कॉटन में बनाना आपको सिखाऊंगी। कॉटन में जो बनाऊंगी मैं उस पर फ्रिल भी लगाऊंगी और मैं डबल साइड बनाऊंगी और एक और जो है सर्दियों के लिए मैं कैरी कोट का कवर बनाऊंगी उसके साथ ही ब्लैंकेट अटैच होगा ताकि बच्चे को लेटाते हुए अलग से कम्बल न डालना पड़े। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या किसी और किस्म का स्पेशल कैरी कोट कवर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो बनाना भी सिखाऊंगी। मिलते हैं बहुत जल्द और नई वीडियो में नए तरीके से कैरी कोट कवर बनाना और बहुत ईजी तरीके से। अगले 2-3 वीडियोज में मैं आपको ईजी एंड डिफरेंट टाइप की कैरी कोट कवर बनाना सिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। Thank you.